ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपके मन में और कुछ है तो बताओ। अभी देखो संसार में क्या होता है वो बताया मैंने, तो आप बताओ तो आपके जीवन में इस ज्ञान में चलने में क्या तकलीफ है रोज सुनने में। हाँ एक तकलीफ और है, आप कहेंगे भाई जी रोज मुरली सुनते हैं तो उसका कुछ रस नहीं आता है, कुछ अच्छा अच्छा सुना चले गए, एक दिन दो दिन वही वही सुनते रहे तो रस नहीं आता है, ऐसा है ना कि रस आता है, उमंग उत्साह नहीं सुनने की। कारण उसका भी अगर आपको ध्यान पढ़ाई में ध्यान देना है उसकी विधि है। वो क्या विधि, बच्चे भी देखो जो नंबर वन आना है फर्स्ट क्लास आना है तो सबसे आगे आगे बैठ के बहुत ध्यान से सुनते बैठते हैं, स्कूल में भी देखना, बाकी बच्चे पीछे बैठेंगे इधर उधर देखते रहेंगे क्योंकि उनका लक्ष्य अलग है, वो नंबर वन आना है मुझे डिस्टिंक्शन लेना है फर्स्ट क्लास होना है ऐसा लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ भी आपने एक लक्ष्य रखना है, ये पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं है औरों को भी पढ़ाना है मुझे। तो रोज जब आते हो तो एक सारे मुरली से एक नया पॉइंट नया ज्ञान न्यू आज बाबा ने कभी नहीं सुना था, पहली दफा सारे सुनते रहना, कोई नया एक शब्द बोला वो नोट करो वो दूसरों को बताना, अच्छी चीज दूसरों को नई नई देंगे ना, पुराने पुराने वही नहीं देंगे। तो आपका मुरली में भी ध्यान जाएगा कि मुझे ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि इनको जाके घर में मुझे नया नया पॉइंट सुनाना है। वो भी कहेगा अरे मैंने भी मुरली सुनी इस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, वो भी खुश हो जाएंगे इन्होंने बहुत अच्छे ध्यान से सुनते हैं। तो आपको पढ़ाई में ध्यान जाने के लिए ये तरीका चाहिए, रोज मुझे पढ़ाई से एक अच्छी अच्छा पॉइंट जो नया कभी सुनाया नहीं बाबा ने, रोज मुरली में नए नए बात आती है, ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा कि मुझे नई चीज ढूंढना है मुरली से, वो नोट करके वो औरों को बताना है। ये आप शुरू करके देख लो, देखो आपके उमंग उत्साह भी रहेगा अटेंशन भी रहेगा। ये पढ़ने का तरीका, जैसे बच्चे भी स्कूल में बहुत ध्यान से सुनते बैठते हैं, कोई अच्छे पॉइंट है नोट करते हैं शॉर्ट हैंड में, पूरा लिख नहीं सकते फटाफट, प्रोफेसर कॉलेज वाला पढ़ाता है नोट करते हैं, फिर घर में आके होमवर्क करते हैं। यहाँ भी घर में आने के बाद और चिंतन करो औरों को बताओ, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, सिर्फ ऐसे नहीं सही। अभी आपके मन में और कुछ प्रश्न है तो बताओ।